हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड डेस्क में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ आप एक कोड की मदद से किसी भी ओप्पो के स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक कोड की मदद से आप किसी भी ओप्पो के स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कैसे, क्या, सारा कुछ इस वीडियो में आपको हम सिखाने वाले हैं। 2 से 3 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए वीडियो में। हम आपको यही सिखाएंगे कि कैसे आप ओप्पो के किसी भी स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं, वो भी विदाउट डेटा लॉस के साथ। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन में पिन, पासवर्ड, पैटर्न, किसी भी तरीके का लॉक हो, इससे कोई देना लेना नहीं है। एमरजेंसी कॉल के इस ऑप्शन में आपको जाना है, जहाँ पे आपको डायल करना है *#87। जो मैं आपको ये कोड दे रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए और हैज़ दबा के इसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो कोड है अगस्त महीने का लेटेस्ट कोड है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट कोड है। इस कोड की मदद से आप किसी भी ओप्पो के स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। अगस्त महीने का कोड अलग आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हर महीने का कोड अलग होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये कोड नेक्स्ट मंथ काम नहीं करता है, तो अगर आप अगस्त में इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अभी अगस्त शुरू ही हुआ है। फिलहाल हम इसको कॉल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 टाइम हमने इसको कॉल कर लिया। अब इस नंबर का कोई काम नहीं, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। डायल करेंगे *#89 और उसके बाद हैज। ध्यान से, बिल्कुल गौर से इस वीडियो को देखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए आप लोग ट्राई नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, एंड तक नहीं देखते हैं, सारे मेथड को यूज करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होता है ये नहीं आप जानते। यूट्यूबर्स आपको क्या नहीं बताते, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि यूट्यूबर कैसे आपको फंसाते हैं। सीखिए कैसे किया जाता है मैनुअल टेस्ट। मैनुअल टेस्ट में वो लोग आपको लेके जाते ही नहीं। मैनुअल टेस्ट में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, की स्टेटस। की स्टेटस सभी को पता है आज के डेट में। अगर आप नहीं जानते हैं कि की स्टेटस में ही सारे फ़ोन का लॉक छिपा होता है, यहीं से पिन, पासवर्ड, पैटर्न को रीसेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे मेथड करने से पहले क्या किया जाता है। मैनुअल टेस्ट में जाके आपको सेंसर सेल्फ टेस्ट कैलिब्रेशन पे क्लिक करना होता है, और आपके फ़ोन में जितने सेंसर है सभी को आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई एक पास हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। फिलहाल देखिए, हमारा 2 में से 1 पास हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। 2 में से कम 1 पास हो जाए, 3 में से 1 पास हो जाए, 1 का पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन। बैक कर लीजिएगा इस तरीके से, और आपको कहाँ चल जाना है ये देखिए, कम्युनिकेशन अदर्स वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर को क्लिक कर दीजिए। सभी को पता है, सब जानते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है। बैक कर लीजिए, की स्टेटस पे क्लिक कर लीजिए। की स्टेटस पे क्लिक होने पे क्या होता है भाई, की स्टेटस पे क्लिक करने से आपके जितने भी पिन, पासवर्ड, पैटर्न जो आपके फ़ोन में स्टोर होते हैं वो दोस्तों रीसेट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे जो हैं रीसेट हो जाते हैं, तो ये तो लगभग सबको पता है कि इस ऑप्शन से क्या होता है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा हम बहस नहीं करेंगे, इसको बैक करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो देखिए, बैक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल सा इस तरीके से वो दिखाएंगे कि भाई आपका काम हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका काम नहीं होता है। आपको इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन में जाना है, और क्या वो मेथड था जो आपको वो नहीं बताया है वो मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। आपको डायल करना *#813 और सिंपल सा आप पे हैज दवाइए का फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ये बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताते। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से क्या होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।